गाइस मेरा नया प्रोजेक्टर देखें आप। मैं इस वीडियो में आपको अपना नया प्रोजेक्टर दिखाऊंगा और जो सेटअप करके मैं होम थिएटर में लगा रहा हूँ तो वो दिखाऊंगा। तो ये मेरा 100 इंच का, 100 इंच को तो भूल जाओ, ये 100 एंड 120 दोनों तक जाएगा, स्क्रीन पे डिपेंड करता है। स्क्रीन मैंने 100 लिया है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन स्पेस कितनी है मेरे रूम में। तो ये ट्राई कलर RGB लेज़र, 3 लेज़र प्रोजेक्टर है। यूजली प्रोजेक्टर्स में बल्ब होता है, फिर सिंगल लेज़र होता है, इसमें 3 लेज़र हैं तो ज़्यादा अच्छा कंट्रास्ट एंड कलर्स आएंगे। और अनबॉक्सिंग अभी मैंने करी है। ये गाइस नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये मेरा खुद का परचेज है, मेरे अपने लिए लिया मैंने। चलो अंदर देखते हैं कैसे, मतलब स्पॉन्सर कर सकते थे पर किसी ने किया नहीं मुझे तो मैंने खुद ले लिया। इतना बड़ा रजत, ये बाय द वे ऐसा लग रहा है प्रिंटर हो इतना बड़ा। ये बाय द वे अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है गाइस, ये बिल्कुल नीचे लगेगा स्क्रीन के। यूजली प्रोजेक्टर्स ऊपर रखते हैं सीलिंग में तो वहां से प्रोजेक्ट करता है, और वो बल्ब वाले होते हैं, सिंगल लेजर भी होते हैं, ये मैंने ट्रिपल लेजर लिया है और ये अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो है। इसकी स्क्रीन अभी आ रही है, वो आई नहीं है, तो जब आएगी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ALR स्क्रीन, एम्बिएंट लाइट रिजेक्टिंग स्क्रीन है, तो वो ज्यादा अच्छी रहती है अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो के लिए। तो चलो आपको दिखाते हैं, ये न्यू हाइसेंस का है। शुभा देखो इतना बड़ा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतना बड़ा होगा। Wow. तो बेसिकली यहाँ से स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेगा। Very nice. तो ये है डॉल्बी एटमॉस 4K HDR और HDMI। भाई 4K HDR HDR 10 है, 3000 लूमेंस का इसका डिस्प्ले है तो बहुत ब्राइट होगा। तो लेट्स सी, करें शुरू करें। अभी तो वो यही नहीं है हमारे पास, स्क्रीन दीवार पे लगा के देखते हैं चलता है नहीं चलता। दीवार थोड़ा बहुत तो चलेगा, ये वेरी एक्साइटेड। रिमोट की शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम तो उससे चलाएंगे ना। रिसीवर से, यहाँ का जो रिसीवर है हमारे पास, ग्लव्स हैं इसमें भाई, ताकि हैंडल विद केयर, फिंगरप्रिंट ना आता ना। ठीक है, और क्या है, ठीक है, अडैप्टर वेप्टर होगा। चलो देखते हैं, मैनुअल निकाल दो, पहले मैनुअल पढ़ेंगे रिमेंबर। तो आई डोंट थिंक मैंने आपको नाम बताया, ये है हाइसेंस का 109 LG। तो ये ट्रिपल लेजर प्रोजेक्टर है, RGB, इसमें 3 कलर के लेजर लाइट्स हैं। गाइस देखो, टेस्टिंग के लिए हमने इधर लगा दी दीवार पे, स्क्रीन नहीं आई ना अभी, क्या बढ़िया लग रहा है ना। अभी थोड़ा सा टेढ़ा भी है ना। हाँ वो उसकी उड़ है, अभी कुछ नहीं किया, बस मैंने कहा टेस्ट कर लूँ चल रहा है ना, कोई ऐसा ना हो कि खराब हो, कोई यू नेवर नो राइट। तो दीवार पे लगा रही है और अभी भी बाहर देखो कितना उचाला है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वेट कर रहे हैं, एक तो रात को बड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ऊपर से स्क्रीन आई तो और अच्छा लगेगा, बट तब तक के लिए बस टेस्टिंग करनी थी। तो सो फार सो गुड, पता नहीं कितनी बड़ी होगी इसमें, कितनी होगी, 100 इंच होगी, आई डोंट नो। चलो आपको आगे दिखाते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो ये वाली। गाइज अनबॉक्सिंग करते करते, और अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही बार वो जो इसी वीडियो में आपको दिखाया ना, बस उतना ही देखा मेरी प्रोजेक्टर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 100 क्यों लिखा है इस डब्बे में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम ये प्रोजेक्टर लौटा रहे हैं, अब हम इस प्रोजेक्टर का इन्जॉय मज़ा बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, जस्ट बिकॉज ये 100 इंच की स्क्रीन तक के लिए ही है। तो लेट मी शो यू हुआ क्या। तो देखो, आपने देखा ये प्रोजेक्टर है हाइसेंस का, और कहाँ इसका मॉडल नंबर, ये रहा मॉडल नंबर 100 L9G। तो यूजली होता है L9G, इतना मॉडल नंबर होता है, पर 100 और 120 के अलग अलग हैं। फिर मुझे लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है, 100 क्यों लिखा है इसके ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर इंटरनेट पे सर्च मारा, इनफैक्ट क्वेश्चन भी पूछा है कि फोरम पे। तो लेट मी शो यू, मैंने बेस्ट बाय की वेबसाइट पे फोरम पे क्वेश्चन पूछा, आप देख सकते हो, आस्क वन डे अगो बाय रजत, कि भाई मैंने पूछा कि मुझे पता है ये प्रोजेक्टर 100 इंच की स्क्रीन और 120 तक जा सकता है, कि इसके ऊपर जा सकता है क्या। तो लोगों ने बोला कि नहीं, इसमें मैनुअल फोकस नहीं है, ये बेसिकली 100 का 100 के साथ ही जाएगा, 120 का 120 के साथ ही जाएगा। तो इनिशियली मैंने तो सोचा था कि अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर क्या होते हैं, आप जितना पीछे करोगे दीवार से इमेज बढ़ती जाती है, तो मुझे लगा ये चल जाएगा, इसलिए मैंने ले लिया। डील पे भी था, अबाउट $500-600 सेल पे आ गया था, तो मैंने ले लिया। बट मुझे बाद में पता लगा कि ये सिर्फ इतना ही फिक्स है, तो इसलिए मैं तो उसके अभी तो स्क्रीन भी नहीं आई मेरी,
तो मुझे लगता है कि वापस करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं लिमिट नहीं करना चाहता। हो सकता है फ्यूचर में हम 120 देखना चाहें, 135 देखना चाहें, आई डोंट नो। तो इसी वजह से अभी प्रोजेक्टर जा रहे हैं वापस। फीलिंग सैड क्योंकि नया प्रोजेक्टर है, अब तो देखा ही नहीं हमने, एक भी बार नहीं देखा। और ऑल दो गुड थिंग इज यहाँ पर रिटर्न विंडो होती है, एक महीने का टाइम होता है रिटर्न का, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। बिल्कुल नया है, कुछ भी नहीं किया हमने, हार्डली 2 मिनट चला के देखा होगा जस्ट फॉर चेकिंग, बट मुझे लौटाना पड़ेगा इसको। बट इसका मतलब ये नहीं गाइस, मैं एक और लूँगा फ्यूचर में। तो अब ये जा रहा है, दूसरा तो आएगा, तो अभी भी थैंक्स गिविंग ब्लैक फ्राइडे की सेल अभी भी आनी है, तो होपफुली कोई और मॉडल ले लूँगा जो कि कस्टम हो, जो कि कस्टमाइजेबल हो, जो कि रेंज हो जिसके पास। मैं 100 चाहूँ 100 देखूँ, 120 इंच की स्क्रीन पर चाहूँ उस पर देखूँ, अगर 150 जाना वो भी देखूँ, आई डोंट, बहुत बड़ी होती है बाय द वे। बट यू नो ऑप्शन होनी चाहिए मेरे पास, मैं फिक्स नहीं करना चाहता अपनी ऑप्शन, इसलिए ये तो जा रहे हैं वापस। मैंने बाय द वे इनकी कंपनी में भी फ़ोन किया था कि भाई इसकी कितनी रेंज है, तो उन्होंने भी यही कन्फर्म किया मुझे। तो मैंने रिसर्च करी है, पर बाद में करी है, पहले कर लेता ना अगर रिसर्च तो बेटर रहता मेरे लिए। एनीवे गाइस, अफसोस है मुझे इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसको लौटा रहा हूँ, क्योंकि अगर यूज़ हो गया तो रिटर्न में पंगा ना हो, बट इसलिए। बट एनीवे, मैं इसकी ना जो स्क्रीन आएगी वो आने, वो भी आने वाली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में, और फिर बंद करते हैं। यार हमारा प्रोजेक्टर वापस जा रहा है, इतनी खुशी से खोला था, इतना सोचा था, क्या क्या सपने सजाए थे, और वापस जा रहा है। तुम्हें क्या पता, दिल तो मेरा टूटा है। क्यों? कोई नहीं, दूसरा आएगा, इसमें क्या हो गया? मुझे लगा खुशी ज्यादा हो रही रजत को। रजत मतलब जब रिटर्न होता है, पैसे वापस आते हैं, उसकी खुशी सबसे ज्यादा होती है या रिटर्न की खुशी? वो हो रहा दुख की रिटर्न हो रहा सामान। शिल्पा अगर पैसे आने की खुशी होती ना तो मैं खर्च ही नहीं किया होता मैंने फर्स्ट प्लेस पे। सही बात, सही बात, बहुत अच्छी बात करी आपने। स्क्रीन आ गई है, दिस इज ALR स्क्रीन, एम्बिएंट लाइट रिजेक्टिंग स्क्रीन। खोली नहीं है क्योंकि प्रोजेक्टर ही वापस जा रहा है, तो इसलिए खोली नहीं है, बट ये किसी रेगुलर ब्लॉग में आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। बट एनीवे ये पैक हो रहा है और इसको रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। उसको वापस लिया उसके डब्बे को, इसका और भी है ना डब्बे, जाएगा हाँ एक बड़े डब्बे में जाएगा वापस। तो गाइस अभी के लिए ये वाली वीडियो बंद होती है, पर फ्यूचर में पक्का डेफिनेटली कोई मुझे प्रोजेक्ट तो लेना है, ये एक और आएगा, जब वो आएगा उसका मैं फिर से अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह दिखाऊंगा। पर बाय फॉर नाउ, आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।